नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएल स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएस के ऐसे 10 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि दोस्तों लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और दोस्तों आपको 8 का सही उत्तर देना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अनअकैडमी पर अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, मैं ALP के सारे कोर्स अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट मेरे से ALP की तैयारी करवाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको अनअकैडमी से ऐड होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, GNP और NNP के बीच अंतर किसके बराबर में होता है? मूलहास, कॉर्पोरेट लाभ, व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत कर या अंतरण भुगतान? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मूलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? मध्यन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या आयनिक मंडल? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? SH बासायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? सी, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए, क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टॉनी ग्रेग, क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस, सुनील गवास्कर या कपिल देव? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े औपचारिक रूप से किसके द्वारा दिए जाते हैं? CSO, NSSO, RBI या वित्त आयोग? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? ए, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? कैरोटिन, साइटोक्रोम, सेल्यूलोस या क्लोरोफिल? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिजन क्या है? प्रतिरक्षी का अपशेष, प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी के विपरीत या प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? प्रतिजन प्रतिरक्षी के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, हेपेरिन। जी हाँ दोस्तों, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोंक मवेशियों पर कैसा वह परजीवी होता है? तृणभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षी या रक्त पिपासु? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? जोंक जो है दोस्तों वो आपका रक्त पिपासु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कितने कोष्ठों में स्तनी यानी कि मेमेलियन हृदय होता है? 3, 4, 1 या 2? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? बी, 4। जो बच्चे देते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं, तो मनुष्य भी बच्चे देने वाला प्राणी है, तो दोस्तों मनुष्य में वैसे भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में, तो इसलिए आप यहां से भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन, इसमें जीके भी कुछ क्वेश्चन शामिल थे, क्योंकि आपकी ALP और टेक्नीशियन में 10 नंबर की जीके और करंट अफेयर्स भी आएगी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी रखना जरूरी समझा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके जितने भी नंबर आए हों आपको प्लीज़
कमेंट बॉक्स में बताना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि मेरे सर 8 में 10 में से 8 सही आए हैं, 7 सही आए हैं, 5 जितने भी हों आपको केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।